सब्सक्राइब कीजिए कुक विद नुज़हत का और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बहुत ही मजे के चिकन मैक्रोनी रोल बनाने वाले हैं। तो इसके लिए ये मैक्रोनी है मेरे पास 300 ग्राम, ये बॉईल करके इसके बाद मैंने इसकी मेजरमेंट की है। 200 ग्राम मेरे पास चिकन है, इसे भी मैंने बॉईल करके सिंपल नमक अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल के, तो मैंने इसे बॉईल करके रख के रेशा रेशा कर लिया हुआ है। 3 मीडियम साइज के आलू थे जिन्हें मैंने बॉईल करके इस तरह से इन्हें कद्दूकश करके रखा हुआ है। हरे मसाले में मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ धनिया है मेरे पास तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के, 1 टेबलस्पून भर के यहाँ मेरे पास पत्ते हैं पुदीने के, और एक हरी मिर्च है जिसे मैंने बारीक स्लाइसेस में कट किया हुआ है। स्पाइसेस में मैं यहाँ यूज़ करूँगी नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ करेंगे। ये मोटा पिसा हुआ मेरे पास धनिया है, ये यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून भर के मैं यहाँ पे जीरा पाउडर का यूज़ करूँगी, ये भी मोटा पिसा हुआ है, और 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम लाल मिर्च का पाउडर है, और थोड़ी से हम कुटी हुई यहाँ पे मिर्च यूज़ करेंगे। चलिए सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बाउल में सबसे पहले मैं चिकन ऐड करूँगी, मैक्रोनी ऐड कर देंगे, उबले और मैश किए हुए आलू ऐड कर दूंगी मैं, सारा हरा मसाला ऐड कर देंगे, स्पाइसेस डाल देंगे, स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो ये देखिए इस तरह से हम हाथ में ये अमेजा पकड़ेंगे और इस तरह करते हुए लंबाई में इसे हम अपने हाथों पे ही बेल लेंगे, थोड़ी सी शेप इसकी दुरुस्त करेंगे और ये रोल हमारा रेडी हो गया। इसी तरह मैं सारे रोल बना के रेडी कर लूँगी। देखिए सारे रोल मैंने अच्छे से रेडी कर लिए हैं, तो अब आते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये मेरे पास फेंटे हुए अंडे इनका यूज़ करूँगी और साथ में ब्रेड क्रम्स का यूज़ करेंगे। तो चलिए इस तरह से हम एक रोल उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे अच्छे से। डिप करने के बाद मैं इसे ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। इस तरह से हम सारे रोल रेडी कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स का कोट करेंगे और ये देखिए रोल इस तरह से रेडी करके मैं रखती जाऊंगी। चिकन मैक्रोनी रोल हमारे रेडी हो चुके हैं, कोटिंग हमने कंप्लीट कर ली है इनकी। तो ये सारे रोल हम एक ही दफ़ा में फ्राई नहीं करेंगे, तो मैं इन्हें फ्रीज करने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने एक बॉक्स लिया है, उसके अंदर मैंने ये प्लास्टिक शीट इसको इस तरह से लगाया है, तो रोल हम इसके अंदर इस तरह से रखते जाएंगे। इसके ऊपर से फिर एक दफा इसको इस तरह से कवर करेंगे और दूसरी लेयर लगाएंगे। इस तरह हम इस बॉक्स को इस तरह से मैं इसे बंद कर दूंगी और इसे कवर करके हम इसे रख देंगे फ्रीजर में, और हम इन्हें तकरीबन 1 माह तक आसानी से इनका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बाकी के रोल हम फ्राई करते हैं और दिखाते हैं आपको। अब आते हैं फ्राई करने की तरफ। तो ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म किया है और मीडियम फ्लेम पे मैं इन्हें फ्राई करूँगी गोल्डन होने तक। तो 1 बाय 1 मैं रोल ऐड कर दूँगी। ये देखिए रोल हमारे कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। थोड़ा सा कलर हम इनका और अभी करेंगे डार्क, तो फिर हम इन्हें निकालते हैं और दिखाते हैं आपको। इस तरह से मैं इनको निकाल लेती हूँ एक सर्विंग प्लेट में। ये देखिए ये लास्ट वाले थे, वो भी मैंने निकाल लिए।
लीजिए चिकन मैक्रोनी रोल हमारे रेडी टू सर्व हैं। इन्हें मैंने फ्राई कर लिया है, केचप के साथ सर्व कीजिए और अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ इन्हें आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये और इस तरह से आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये चिकन मैक्रोनी रोल की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।